सभी को जय यीशु। आज मैं आप सभी को नागालैंड में हुए पवित्र परम प्रसाद के चमत्कार के बारे में बताने वाली हूँ। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वीय राज्य है। यहाँ की शांत जलवायु, लहलहाते घने वन, यहाँ की सुंदर झीलें इस पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ नागालैंड के आर लेडी ऑफ माउंट कार्मल चर्च में, जब एक कैथोलिक महिला अपने बैप्टिस्ट फ्रेंड के साथ पवित्र मिसा बलिदान में उपस्थित हुई। बैप्टिस्ट विश्वासी यह नहीं मानते कि परम प्रसाद ही प्रभु यीशु मसीह का रक्त और शरीर है, परंतु फिर भी वह बैप्टिस्ट फ्रेंड अपनी कैथलिक मित्र के साथ पवित्र मिसा बलिदान में परम प्रसाद ग्रहण करने शामिल हो गई। उसने जैसे ही परम प्रसाद अपने हाथों में लिया, उसने परम प्रसाद को ग्रहण नहीं किया, परंतु एक लिफाफे में डालकर छुपा के उसे अपने घर ले आई। घर लाने के बाद से ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। यह अजीब सा एहसास होते ही उसने निर्णय लिया कि वो अपनी कैथलिक फ्रेंड के पास जाएगी और उसे सब कुछ सच सच बता देगी। पहुंचते ही कैथलिक फ्रेंड ने उसे सलाह दी कि उसे पवित्र परम प्रसाद जल्द से जल्द फादर को सौंप देना चाहिए। यह सुनते ही उन्होंने सबसे पहले कॉन्वेंट में सिस्टर को कॉल किया और पूरी घटना बताई। सिस्टर ने पूरी घटना के बारे में सुनते ही उन्हें यही सलाह दी कि उन्हें जल्द से जल्द पवित्र परम प्रसाद फादर के पास सौंप देना चाहिए। अगली सुबह वे दोनों चर्च पहुंचे, फादर को पूरी घटना बताई, माफी मांगी और साथ ही में परम प्रसाद उनके हाथों में सौंप दिया। उसके बाद वे दोनों अपने अपने घर लौट गई। फादर ने जैसे ही परम प्रसाद अपने हाथों में लिया, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि हो सकता था कि इस घटना के पीछे कोई ना कोई चालाकी जरूर हो। ऐसी स्थिति में फादर या तो परम प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं या फिर उसके टुकड़े कर एक कटोरी में पवित्र जल में घुलने छोड़ सकते हैं। परम प्रसाद के घुल जाने के बाद वह उसे किसी भी सही जगह बहा सकते हैं। फादर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। परम प्रसाद के टुकड़े किए, एक कटोरी में पवित्र जल में उसे छोड़ दिया। वह जल्दी में थे, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना था, तो उन्होंने उस कटोरी को टेबल पे न छोड़ते हुए सैक्रिस्टी में रख दिया। कुछ घंटे बाद जब फादर स्कूल से लौटे तो उन्होंने कटोरी देखी। परम प्रसाद वैसा की वैसा ही था। अक्सर जब हम परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो वह हमारे जीभ पर 30 सेकंड्स के अंदर अंदर घुल जाता है, परंतु यहाँ काफी घंटे बीत चुके थे। फादर काफी अचंभे में हुए। यह देख उन्होंने कटोरी को टैबरनाकल में रख दिया। फादर को कुछ अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा। जब वे 2 से 3 दिन बाद वापस लौटे तो उन्होंने टैबरनाकल में से कटोरी को निकाला और कुछ अजीब सी चीज देखी। वह परम प्रसाद अखंड हो चुका था, वह एकजुट हो चुका था और एक मांस के टुकड़े की तरह दिख रहा था। वह काला रंग का हो चुका था और यह देखते ही फादर ने सोचा कि उन्हें खुद अपने हाथों से उसे तोड़ देना चाहिए, ताकि वह उसे एक सही जगह पर बहा सकें। फादर ने जैसे ही पहला स्पर्श किया, वह टूट नहीं पाया। दूसरी कोशिश में फादर की उंगलियों पर खून के निशान आ गए थे।
परंतु परम प्रसाद मांस के टुकड़े जैसा ही पाया गया। फादर ने जैसे ही देखा कि पवित्र जल का रंग लाल हो रहा है, उन्होंने तुरंत सिस्टर को बुलाया और साथ ही अन्य फादर्स को भी। सभी लोग काफ़ी खुश थे और साथ ही काफ़ी भावुक भी हो गए थे। इस वाक्य ने हमारे बीच प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का प्रमाण दिया था। फादर जॉनसन, जो वहाँ के पैरिश प्रीस्ट थे और साथ ही में जिनके साथ यह घटना घटित हुई थी, बताते हैं कि अक्सर ऐसे चमत्कार तब ही होते हैं जब विश्वासी इस बात पर विश्वास नहीं करते कि परम प्रसाद में प्रभु यीशु मसीह का रक्त और शरीर ही है। नागालैंड की यह घटना हम सभी को एहसास दिलाती है कि जब भी हम पवित्र मिसा बलिदान में पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो वह सिर्फ प्रसाद नहीं होता, परंतु प्रभु यीशु मसीह का रक्त और शरीर होता है। अगली बार जब भी आप पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करें, तो इस बात पर विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच उपस्थित हैं और यह उनका रक्त और शरीर है